आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। जबलपुर की मड़ोताल पुलिस ने कार में सवार पति पत्नी को अवैध रूप से लाई जा रही 8 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पूरा मामला देर रात मड़ोताल थाने का है, जहां पेट्रोलिंग टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कार में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से शराब लाई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर मड़ोताल थाने ने दीनदयाल चौक पर घेराबंदी की और मुखबिर के द्वारा बताई गई गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, पर कार चालक द्वारा पुलिस के वाहन को टक्कर मारते हुए फरार हो गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद डायल 100 पुलिस ने काफी दूर तक कार का पीछा कर घेराबंदी करते हुए कार को रोका और तलाशी ली। कार की तलाशी के दौरान पुलिस को कार की डिग्गी में अवैध रूप से 8 पेटी अंग्रेजी शराब मिली है। पुलिस ने कार में लोड शराब की खेप को जब्त करते हुए कार्रवाई की है। इधर पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम कमलेश दुबे और पत्नी का नाम महक दुबे बताया। इसके आधार पर पुलिस ने जब इन दोनों की पतासाजी की तो पता चला है कि पूर्व में भी इन दोनों पर शहर के विभिन्न थानों में कई अपराध दर्ज हैं और तभी से यह दोनों फरार चल रहे थे। पुलिस की माने तो शराब तस्करी में पकड़े गए इन दोनों ही पति पत्नी आदतन अपराधी है और अवैध शराब के साथ अफीम की भी तस्करी के भी एक केस में दोनों फरार चल रहे हैं। फिलहाल शराब की खेप के साथ पकड़े गए इन दोनों ही पति पत्नी के विरुद्ध आबकारी एक्ट का अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए निर्देशित किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव के सर के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया और नगर पुलिस अधीक्षक गढ़ा श्री रोहित कासवानी साहब के द्वारा समय समय पर गाइडेंस दिया जाता रहा है। कल हमारे पेट्रोलिंग के आरक्षक अशोक मिश्रा को ये सूचना मिली कि एक इंडिका कार जो ग्रे कलर की है उसमें कुछ दारू जा रही है और कमलेश दुबे और महक दुबे नाम के लोग उसमें लेके जा रहे हैं। उसी सूचना के आधार पर ये दीनदयाल चौक पे इनके द्वारा वहाँ पे उस कार को रोका गया, परंतु वो कार डैश मारते हुए पुलिस की गाड़ी को आगे निकल गई। तो दूसरी मोबाइल को उनके द्वारा फ़ोन किया गया दूसरे रास्ते से आने के लिए और उनका पीछा किया गया। तो कोल बस्ती में जाके इसके इंडिका कार, इसका नंबर है MP20CA10331, इसको रोका गया। जो चालक था उससे नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम पहले तो आनाकानी की पर फिर बाद में कमलेश दुबे अपना नाम बताया और ड्राइवर के बाजू सीट पे बैठी हुई थी उसकी वाइफ महक दुबे, जो कि पूर्व में किसी साहू की वाइफ थी, उसके पहले वो सिंधी थी। मतलब कुल मिला के उसका ये जानकारी थी कि उसका काम यही जैसे दारू अफीम ये बेचने का है। फिर गाड़ी की जब तलाशी लिए तो उसमें 8 पेटी गुवा विस्की अंग्रेजी मिली, जिसमें 72 लीटर शराब थी जो कि लगभग 40,000 रुपये की कीमती थी, जिस पर 34-2-42 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त हिमांशु सेठी जो यहाँ का है गोरखपुर का, इसके द्वारा इसको दारू लाने के लिए बोला गया था और ये स्लिमनाबाद का सेठ है मंशू, उसके द्वारा उसके पास से लाई गई थी, उनको भी आरोपी बनाया गया है। और ये कमलेश दुबे जो है इसके कई केस हैं। अभी हमने रेडियो मैसेज किया था तो गोहलपुर थाने में भी इसका 34-2 का केस है जहाँ से ये फरार है, उनके द्वारा भी आकर अरेस्टिंग की गई है। और चरगवा थाने में भी 34-2 का केस था, वो भी आके अरेस्टिंग की है। अभी रेडियो मैसेज सभी ज़िले में किया गया है। इनका काम ही है अवैध बहुत सारी मात्रा में दारू को अवैध रूप से आवागमन करना, जिन पर कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा इनके इन लोगों के द्वारा अफीम बिक्रय किया जाता था, अफीम के भी कई केस पेंडिंग हैं और सजा याफ्ता भी हैं। जो महिला साथ में मिली है, महिला का क्या रोल करता है सर? ये एक्चुअली में देखा जाए तो महिला ही उसकी विशेष सरगना है, क्योंकि महिला पहले ये कमले पहले इसका एक साहू हस्बैंड था जो गोहलपुर में अभी 4 दिन पहले दारू पकड़ी गई है, उसमें साहू ही पकड़ा गया है शायद, तो ये उसका पहला हस्बैंड था। तो इनका काम सिर्फ वही दारू बेचना, अफीम बेचना, गांजा बेचना यही करते हैं, इसलिए और इनके द्वारा तस्करी की जा रही थी। माना जा रहा है कि वो अपने हस्बैंड बदल के सप्लायर का काम करती थी शराब। अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं तो उसके अनुसार तो यही है, जनरली महिला बैठी रहती है तो पुलिस गाड़ी नहीं रोकती है, पर अब ऐसे तथ्य जब सामने आ रहे हैं तो अब हमको इस पर भी कार्रवाई करनी होगी।